हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा करेला, बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही टेस्टी। इसके लिए मैंने लिया है करेला, आधा किलो सूखा नारियल है, एक स्पून जीरा, डेढ़ स्पून तिल्ली, दो स्पून फल्ली, थोड़ा सा इमली, थोड़ा सा गुड़। उसके अलावा तेल है, गर्म मसाला, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन, नमक, हींग। अदरक लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। सबसे पहले मैंने करेले को अच्छे से धो के सूखा कर लिया है, पोंछ लिया है। अब मैं करेले को दोनों साइड से काट के बीच में से चीरा लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे करेले के ऊपर का छिलका भी उतार सकते हो, अगर आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं चाहिए तो। वैसे तो ये सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, आप ना ही छिलका उतारे तो अच्छी बात है। अब मैं बीच में से चीरा लगा के इसमें जितना भी गूदा है इसको निकाल ले रही हूँ। इस गूदे को हम लोग फेंकेंगे नहीं, इस तरीके से हमें अंदर से पूरा खाली करना है। मैं सारे करेले को सेम इसी तरीके से काट ले रही हूँ, अंदर से पूरा जितना गूदा था उसे निकाला, इसे हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम लोग स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने इसे निकाल लिया एक बाउल में। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ हल्दी और नमक। हल्दी और नमक लगाने से इसमें जो कड़वापन है वो निकल जाता है। हल्दी और नमक को अच्छे से रब करना है, ऊपर अच्छे से लगाना है, अंदर भी अच्छे से लगाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी कड़वापन ना लगे। ऊपर नीचे अच्छे से नमक लगाना है, इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही लगता है। अब मैं इसको एक घंटे के लिए ढक के रख दूँगी, आप एक घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हो, जितना ज़्यादा रखोगे उतनी अच्छी बात है। अब मैंने एक पैन रखा है, पैन में जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है मूंगफली। मूंगफली को थोड़ा भून के अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा नारियल। मूंगफली अराउंड 2 स्पून है, सूखा नारियल 1 स्पून है और तिल्ली 1.5 स्पून है और जीरा 1 स्पून है। इनको डाल के मैं अच्छे से सूखा भून रही हूँ, इसी का हम लोग स्टफिंग बनाएंगे। ये डालने से कड़वा बिल्कुल भी नहीं रहेगा और जिनको ज़्यादा मसाले सूट नहीं करते उनके लिए तो ये बेस्ट है। ये भुन गया है, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में, अब मैं इसे ठंडा होने रख दे रही हूँ। सेम उसी पैन में मैंने डाला है 1 स्पून तेल, तेल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है जीरा, थोड़ा सा हींग। अब मैं करेले के अंदर का जो गूदा है वो उसमें डाल के अच्छे से भून रही हूँ। ऐसे करने से इसका कड़वापन नहीं रहेगा। अब मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, नमक डाल के 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, डाल के मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। भून के अब मैं इसे निकालूँगी एक प्लेट में, निकाल के मैं इसे ठंडा होने रख दूँगी। अब तिल्ली फल्ली ये भी ठंडा हो गया, मैं इसे ग्राइंड करके इनका पाउडर बना ले रही हूँ। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका भी पाउडर बन गया है। अब सारी चीज़ों को मतलब स्टफिंग वाली चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसी में करेले को जो जिसे हमने अच्छे से भुन लिया था वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ। ये करेले की सब्ज़ी बिल्कुल कड़वी नहीं रहेगी, बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से खाएंगे, आप इसे बना के ज़रूर देखना। करेले की मैंने एक और सब्ज़ी बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब मैंने डाला है हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला। मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक हम लोग पहले भी करेले में लगाया, स्टफिंग में भी थोड़ा सा डाल रही, डालने से स्टफिंग का टेस्ट अच्छा रहेगा। अब नमक डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट कम तेल कम मसालों में बहुत ही अच्छे से बनेगा। इसे आप बना के 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हो। अब करेले को 1 घंटा हो गया है, इसको मैं अच्छे से दबा के इसका पूरा जो नमी है, जो इसमें पानी छूटा है, वो पूरा दबा दबा के निकाल रही हूँ। ऐसा करने से इसका कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सारे करेले से मैंने दबा के पानी निकाल लिया, अब मैं इसमें भर रही हूँ स्टफिंग। भर के मैं इसे अच्छे से प्रेस करूँगी ताकि इसमें जो हम लोग मसाला भर रहे हैं वो निकले नहीं। अब मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया है, प्रेस करके अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ। ये सब्जी के लिए हमें छोटे साइज़ के करेले और फ्रेश करेले का ही इस्तेमाल करना है। बड़े करेले लेंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। सारे करेले में मैंने स्टफिंग भर लिया है। अब मैंने एक सॉस पैन में अराउंड 2.5 से 3 स्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल जैसे गर्म हो गया अब मैं इसमें रख रही हूँ करेले। करेले रख के हमें इसे धीमी आंच पे ही बनाना है। धीमी आंच पे अच्छे से पलटते हुए हम इसे बनाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से ये पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। मैंने इसे पलट लिया है, अब 2-3 मिनट बाद मैं इसे फिर से पलट रही हूँ। 2-3 मिनट हो गया, मैं इसे टर्न कर रही हूँ। इसी तरीके से टर्न करते हुए हमें धीमी आँच पर इसे पकाना है। अब मैंने इसे ढक दिया है, 2-3 मिनट बाद फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये अराउंड आधा पक गया है। अब इसमें हमने जो इमली लिया था उसको मैंने भिगो के रख दिया था, अब उसका पल्प मैं इसमें डाल रही हूँ। आधा कटोरी पानी में मैंने इमली को भिगा लिया था, वो पूरा आधा कटोरी पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। इमली का पानी डालने से ये खट्टा तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं और ये ज़्यादा दिनों तक मतलब अराउंड आप इसे 1 हफ्ते तक 1 वीक तक रख के खा सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है गुड़। गुड़ डालने से जो खट्टा कड़वा वो बैलेंस अच्छे से रहेगा।
अब मैंने गुड़ डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। उसके पहले मैं इसमें थोड़ा सा और नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे आप नमक देख के डालना, क्योंकि हम लोग मसाले में भी डाल चुके हैं, हम लोग पहले भी डाले हैं, अभी भी हम लोग डाल रहे हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ नमक डाल के। अब मैं इसे ढक के तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें का पूरा नमी ना निकल जाए। अब मैंने इसे ढक दिया है, ढक के 5 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, गैस एकदम धीमा है मेरा। 5 मिनट बाद करेला अच्छे से पक गया, साइड से तेल भी छूटने लग गया है, करेले में एकदम अच्छी शाइन भी आ गई, मसाला भी पक गया, हमारा करेला बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, आप इसे पराठा, राइस किसी के भी साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिए। अगर अच्छा लगा रेसिपी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।